नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे राखी बेल, पैसी फ्लोरा या फिर कृष्ण कमल की बेल के बारे में। तो इसमें दो कलर के फ्लावर अभी तक हमने देखे हैं, एक ब्लू कलर के और एक रेड कलर के। तो आज हमारी इस पैसी फ्लोरा की वाइन में दो फ्लावर खिले हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये फ्लावर लग रहे हैं। और दोस्तों, इसके फूल ऐसे होते हैं जैसे कि 20 से 25 साल पहले राखी होती थी, बड़ी बड़ी स्पंच वाली। तो इस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं, तो तभी शायद इसका नाम राखी बेल है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर और काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आज तो ये दो फ्लावर खिले हैं और एक कल ये खिला था और एक कल ये खिलेगा। और ये इसका थोड़ी सी है ना कली खुलनी शुरू भी हो गई है। और दोस्तों, इस वाइन को आप गमले में भी लगा सकते हैं। और इसको गमले में अगर लगाएं तो 10 इंच से बड़े गमले में लगाएं, और आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और ज़मीन में लगाने के बाद तो ये काफ़ी बड़े साइज की वाइन हो जाती है। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें आते हैं, और भी ये कलियाँ बन रही हैं छोटी छोटी, और भी इसमें ना जैसे फ्लावर खिलते ही रहते हैं। और दोस्तों, ये जो वाइन है विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है, और इसमें समर सीजन में फ्लावर आते हैं। लेकिन समर सीजन में इसको ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि गर्मियों में मई जून की गर्मी में हमारे यहां बहुत ही ज़्यादा गर्मियां पड़ती हैं और पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इस मीडिया में ये वाइन बहुत ही अच्छे से चलती है। और आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ की सॉइल है। और दोस्तों, इसको ना चढ़ने के लिए आप किसी जैसे डंडी का या रस्सी का सहारा ज़रूर दे दे, जिससे पकड़ के ये आसानी से बड़ी हो जाती है। और इसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर इसकी हाइट कम ही बढ़ पाती है। तो हमने भी है ना ये एक ट्रेलिंग टाइप बना रखा है, मतलब इसके लिए ये एक सहारा देने के लिए बना रखा है। और इसके चारों तरफ ही हमने बेल को घुमा घुमा के चढ़ा दिया है, और इससे क्या होता है कि वाइन जो है आसानी से ही ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। और फ्लावर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें आ रहे हैं। और गर्मियों में भी वैसे फ्लावर आते हैं इसमें, और लेकिन गर्मियों में ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं तेज़ गर्मी के कारण। वैसे तो ये ये वाली गर्मियों की वाइन होती है, समर सीजन की। लेकिन जैसे कि इस समय मौसम चल रहा है, सितंबर का महीना है, अभी फर्स्ट वीक ही है सितंबर का, और धूप तो वैसे ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ जून जुलाई में धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, इस तरह की नहीं है। थोड़े से मौसम में चेंज आ गया है, और इस समय हमारे यहाँ फ्लावर खिले हैं। और जब मई जून की गर्मी थी और जुलाई में भी हमारे यहाँ ये वाले जो है फ्लावर नहीं खिले थे, और सितंबर के 1-2 तारीख से ही हमारे यहाँ ये फ्लावर खिलने शुरू हुए हैं, जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदला है उसके बाद। वैसे तो गर्मियों में खिलते हैं लेकिन कम ही खिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें वाइन में कई बार क्या होता है, मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। आप इसके पत्तों को है ना इस तरह से नीचे की तरफ से चेक करते रहें, मिलीबग है ना इसके पत्तों के पीछे बैठते हैं, तो मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो गर्मियों में आप इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। गर्मियों में आप इसमें गोबर की खाद ना डालें, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है, इससे हमारे प्लांट खराब हो सकते हैं।
और आप चाहें तो आप इसमें जैसे कंपोस्ट डाल सकते हैं, एक मुट्ठी एक महीने में एक बार। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर कितने सुंदर आते हैं। और हाँ, हमने अभी तक तो दो ही कलर के देखे हैं, ब्लू कलर के और रेड कलर के। और दोस्तों इस वाइन को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए ऊपर से ही आपको जैसे 3 से 4 इंच की कटिंग लें और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दें, तो फिर ये इसकी कटिंग चल पड़ती है और हमारी नई वाइन बन जाती है। और दोस्तों अगर आप इस वाइन को नर्सरी से लाते हैं तो क्या होता है कि इसकी हाइट के अनुसार ही इसका प्राइस होता है। तो जब हम इस वाइन को नर्सरी से लेके आए थे तो मुश्किल से ये 4 से 5 इंच की ही वाइन थी, और तब हमें ये 80 रुपीज़ में मिली थी। और इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज की वाइन हो गई है। और अगर हम इतनी बड़ी वाइन इसको नर्सरी से लेके आते और फूलों के साथ लेके आते तो कम से कम हमें ये 150 या 160-170 में मिलती। और उस टाइम तो इसमें फ्लावर भी नहीं आए हुए थे, तो इसलिए हमें पता भी नहीं था कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर आएंगे। और पहले हमारे पास एक वाइन थी, उसमें रेड कलर के पैसी फ्लोरा के फ्लावर आते थे, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण और हमारे यहाँ आंधी आई थी तो उसमें उस वाली जो है वाइन का गमला टूट गया था और फिर वो वाइन भी हमारी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों इस प्लांट को आप पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग वाइन होती है और इसको हमें गर्मियों में थोड़ा सा बचाना पड़ता है, और विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चली जाती है। और अगर इसके पानी की बात करें तो पानी हमेशा इसको ऐसा डालना है कि इसमें बिल्कुल भी गमले की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। तो क्या होता है अगर इसकी सॉइल सूख जाती है तो इसकी कलियाँ नीचे की तरफ लटक जाती हैं, और ज़्यादा ही मिट्टी बिल्कुल जैसे 100% मिट्टी सूख जाती है तो फिर इसकी कलियाँ झड़ जाती हैं। तो इसलिए हमें इसकी सॉइल में हल्की सी नमी ज़रूर बनाए रखनी चाहिए। तो हमने इसमें कल पानी डाला था और अभी इसकी सॉइल जो है गीली है, तो आज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। और जिन पौधों में पानी की ज़रूरत है तो उन्हीं पौधों में हम पानी डालेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को मतलब रम पैसी फ्लोरा की वाइन को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं और नर्सरी से ला सकते हैं। और नर्सरी के ऊपर इस समय आपको फूलों के साथ में ये वाइन मिल जाएगी। तो जब फूलों के साथ में हमें कोई भी प्लांट मिलता है तो ये फ़ायदा रहता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर आएंगे। और जब हम बिना फूलों के ही लाते हैं तो हमें जैसे रेड कलर का चाहिए होता है तो उसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं आ जाते हैं, जैसे कि ये हमारी वाइन में आ गए हैं। हमें रेड फूलों वाली चाहिए थी लेकिन हमारे पास ये ब्लू फूलों वाली वाइन आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। वैसे जो रेड फूलों वाली वाइन होती है तो उसका फूल जो फ्लावर है ना वो थोड़े छोटे साइज का रहता है। और दोस्तों अभी है ना करीब शाम के 6:30 बज चुके हैं तो इनके फूल थोड़े थोड़े बंद होने भी शुरू हो गए हैं, और इनका फ्लावर एक ही दिन खिलता है। तो जैसे आज खिल गया है तो दूसरे दिन वो इस तरह का बन जाता है। ये फूल कल खिला था और ये कल खिलेगा। और अगर हम दोपहर में या सुबह के टाइम आते तो बहुत बड़े साइज का इसका फ्लावर खिलता है, लेकिन अभी शाम का टाइम है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने पैसे फ्लोरा की वाइन को नहीं लगाया है तो इस समय आप लगा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।